फारूक अब्दुल्ला ने हरिनिवास जम्मू में एक तकरीब में शिरकत की। वो ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर एक प्रोग्राम में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी मालदीव का दौरा नहीं किया, लेकिन जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो अफसोसनाक है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। उनका कहना है कि चीन का असर हर जगह है, भारत और चीन को अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अयोध्या में एक तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक छोटी सी चींटी हूं, मुझे कौन बुलाता है। मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है कि जब तक महिला, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है सारे वतन की, जब तक वो नहीं चलेंगी आगे, वतन तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनमें वो ताकत आई जाए, इनमें तालीम बढ़ाई जाए, इनमें सारी चीजें बताई जाएं कैसे ये न सिर्फ अपने आप को बल्कि उस क्षेत्र को भी उठा सके जहां से कल उठेंगे। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूं, मैं कभी गया नहीं हूं। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूं जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता, मैं मालदीव गया नहीं हूं। ये समझता हूं कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खारगे, उनका कहना है कि भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू को क्यों नहीं इनवाइट करें, उनको इनवाइट करना चाहिए और वो सदार्थ करनी चाहिए। देखिए ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सब कह रहे हैं, विश्व के राम है, तो फिर अब किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला।